नमस्कार, मेरा पूरा देश सुन रहा है राष्ट्र की आवाज, 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, एक के बाद एक हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्कों की हालत खराब होती जा रही है। पहले श्रीलंका दिवालिया हुआ, अब पाकिस्तान कंगाली की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। पाकिस्तान को आईएमएफ से उम्मीद थी, बात नहीं बनी। आईएमएफ से मिलने वाला $6.5 अरब का बेलआउट पैकेज टल गया। समझना मुश्किल नहीं है, पाकिस्तान में हालात और बिगड़ेंगे। पड़ोस में ऐसे हालात ठीक नहीं है, पड़ोस में राजनीतिक और आर्थिक बदहाली का दौर ठीक नहीं है। श्रीलंका राजपक्षे परिवार की गलत नीतियों का खामियाजा आज तक भुगत रहा है। पाकिस्तान अब शहबाज शरीफ, इमरान खान की सियासी खींचतान का खामियाजा भुगत रहा है। पड़ोस में ऐसे बिगड़ते हालात कैसे हिंदुस्तान को सावधान करते हैं, यह आज आपको बताने समझाने की कोशिश करूंगा। साल 2022 की शुरुआत से ही पूरी दुनिया ने श्रीलंका को लड़खड़ाते हुए देखा। पहले महंगाई की घंटी बजी, खाने पीने के सामान आम आदमी की पहुंच से दूर होते चले गए, पेट्रोल डीजल की भारी किल्लत होती गई, हर जगह लंबी लंबी लाइन, पूरे श्रीलंका से विरोध प्रदर्शन की खबरें। फिर वो तस्वीरें सामने आई जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। प्रदर्शनकारियों ने श्रीलंका के राष्ट्रपति आवास को अपने कब्जे में ले लिया। श्रीलंका के राष्ट्रपति आवास की तस्वीरों ने सबको डरा दिया, सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। किसी भी देश में ऐसे हालात चिंता बढ़ाते हैं। श्रीलंका तो हिंदुस्तान का अच्छा पड़ोसी देश रहा है, कैसे हिंदुस्तान अपने पड़ोसी दोस्त के साथ खड़ा रहा, कैसे पड़ोसी दोस्त की परेशानी ने हिंदुस्तान की चिंता बढ़ाई, यह आज आपको दिखाऊंगा। साल 2023 की शुरुआत के साथ पाकिस्तान में खतरे के अलार्म की आवाज और ज्यादा तेज हो गई, जैसे श्रीलंका के बदहाल होते गए हालात, जैसे श्रीलंका चीन के कर्ज के जाल का शिकार होता गया, ठीक वैसे ही हालात पाकिस्तान में बनते जा रहे हैं। श्रीलंका ने गलत राजनीतिक फैसलों का खामियाजा भुगता। पाकिस्तान में भी शहबाज इमरान की लड़ाई ने माहौल बिगाड़ दिया। महंगाई का जैसा दौर श्रीलंका की जनता ने झेला, कुछ वैसी ही शुरुआत पाकिस्तान में भी होती जा रही है और गहराता जा रहा है। ऊर्जा संकट घटता जा रहा है, विदेशी मुद्रा भंडार, श्रीलंका पाकिस्तान के बीच कैसे सारी समानताएं नजर आ रही हैं, उन समानताओं को समझाने की कोशिश करूंगा, उनको दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं, नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। पहले श्रीलंका, अब पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, दोनों पड़ोसी मुल्कों के हालात डरा रहे हैं। पिछले साल जिस तरीके से हालात श्रीलंका में बनते दिखे, ठीक वैसे ही हालात पाकिस्तान में बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कुछ सवाल हैं जो पूरी दुनिया को डरा रहे हैं, जो खासतौर पर हिंदुस्तान की चिंता बढ़ा रहे हैं। क्या श्रीलंका की तरह पाकिस्तान की जनता सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करेगी? क्या श्रीलंका की तरह पाकिस्तान की जनता नेताओं के घर दफ्तर निशाने पर लेगी? क्या श्रीलंका की तरह पाकिस्तान की जनता नेताओं को देश छोड़ने पर मजबूर कर देगी? क्या श्रीलंका की तरह पाकिस्तान की जनता सत्ता में अपने हिसाब से बदलाव करेगी? ऐसा कुछ भी होना किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं। किसी भी देश में ऐसा होना उसके पड़ोसी देशों की परेशानी जरूर बढ़ा देता है। जनता सड़कों पर हो,
नेता फरार होने की फिराक में हो, शासन प्रशासन खत्म होता चला हो, नेताओं के घर दफ्तरों पर आगजनी हो रही हो, प्रधानमंत्री आवास राष्ट्रपति भवन पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो, श्रीलंका में सामने आई तस्वीरों ने हर किसी को परेशान कर दिया। सड़कों पर जनता जान बचाने के लिए मारे मारे फिरते नजर आ रहे हो, श्रीलंका के हालात ने दुनिया की राजनीति में हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। श्रीलंका की तस्वीरों ने हर किसी को डराने का काम किया। दुनिया के हर देश को ऐसे हालात से बचने के लिए आगाह किया, कुछ भी हो जाए इतने हालात ना बिगड़े कि पड़ोसियों के ऐसे हालात डराते। मैं आपको बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान की सरकार श्रीलंका को लेकर अलर्ट मोड पर रही, अपनी तरफ से हर संभव मदद पहुंचाती रही। हिंदुस्तान ने श्रीलंका की जनता को हर संभव राहत पहुंचाने का काम किया, श्रीलंका अपने पैरों पर खड़ा हो सके इस कोशिश में हिंदुस्तान की सरकार अभी भी जुटी है। किसी भी देश की तरक्की के लिए जरूरी है पड़ोस में शांति बनी रहे। श्रीलंका की मदद के लिए हिंदुस्तान तब से लेकर अब तक उसके साथ खड़ा। उस बुरे दौर में भी भारत श्रीलंका को मदद भेजता रहा। जनवरी से लेकर अगस्त 2022 तक भारत ने श्रीलंका को करीब $4 अरब तक की मदद पहुंचाई। इसमें तेल, कैश रिजर्व, फूड आइटम्स, दवाइयां शामिल हैं। अभी भी भारत की कोशिश जारी है। आईएमएफ ने पिछले साल श्रीलंका के लिए $2.9 बिलियन का कर्ज मंजूर किया, लेकिन एक शर्त लगा दी कि इस रकम को हासिल करने के लिए श्रीलंका को अपने पुराने कर्ज दाताओं का एक लेटर सबमिट करना होगा, जिसमें कर्ज वापसी की समय सीमा में राहत का आश्वासन लिखित में होना चाहिए। भारत श्रीलंका को ऐसा आश्वासन देने वाला पहला देश बना। चीन ने राहत देने का भरोसा तो दिया, मगर लेटर आने में आनाकानी करता रहा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी कोई देश दिवालिया होने की कगार पर पहुंचता है, सबसे पहले महंगाई का अलार्म बजता है। खाने पीने की चीज महंगी होती है, पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा होता है, आम जनता की पहुंच से बाहर हो जाता है, देश में ऊर्जा संकट गहराता है। ऐसा ही श्रीलंका में हुआ और अब ऐसा ही पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी हो रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले साल जब मार्च अप्रैल महीने से श्रीलंका के हालात बिगड़ने लगे थे, उस वक्त जरूरत के कितने महंगे सामान हो गए थे, शुरुआत कितनी ज्यादा डरावनी थी, यह पूरी दुनिया ने देखा। पिछले साल मार्च महीने में श्रीलंका में 1 लीटर दूध की कीमत 1,980 रुपए में मिल रहा। सोचिए आप, 1 किलो चीनी की कीमत 290 रुपए थी, 1 किलो चावल और उसकी कीमत 500 रुपए की थी। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पिछले साल मई महीने में श्रीलंका में पेट्रोल 420 रुपए प्रति लीटर और डीजल 400 रुपए प्रति लीटर के करीब बिका। जुलाई महीने में 1 किलो सेब की कीमत 1500 से 1600 रुपए पहुंच चुकी थी, जो जनवरी में 350 रुपए प्रति किलोग्राम मिलता था। श्रीलंका के सामने संकट पहले से ही पैदा हो रहे थे, मगर अप्रैल महीने के शुरुआत में इसे साफ संकेत देखने लगे। देश भर में बड़े स्तर पर हो रहे विरोध को देखते हुए राजपक्षे सरकार ने 1 अप्रैल को आपातकाल का एक ऐलान कर दिया, जिसके बाद श्रीलंका का माहौल बिगड़ता चला गया। यूनाइटेड नेशन ने 10 जून को श्रीलंका के हालात को गंभीर मानवीयता का संकट बताया। यूएन ने कहा, खाने पीने की चीजों की कीमतों के चलते श्रीलंका की 75% से ज्यादा आबादी का भोजन कम हो गया है। और जून महीने के आखिर तक श्रीलंका सरकार ने कहा कि देश में ईंधन नहीं बचा है, पेट्रोल की बिक्री बंद कर दी गई। श्रीलंका में महंगाई की दर आसमान में पहुंच गई। खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ने से अप्रैल में मुद्रा स्फीति की दर
करीब 30% पहुंच गई। वहीं अप्रैल 2022 के दौरान खाद मुद्रा स्फीति 46.6% तक पहुंच गई। मार्च 2022 तक श्रीलंका पर करीब 7.3 अरब डॉलर यानी 54,000 करोड़ रुपए का घरेलू विदेशी कर्ज था। इसमें कुल कर्ज लगभग 68% हिस्सा चीन का था और श्रीलंका पूरी तरीके से ड्रैगन के कब्जे में फंस चुका था। श्रीलंका को 7.8 करोड़ का कर्ज चुकाने के लिए मई 2022 तक की छूट दी गई। अतिरिक्त छूट के बाद श्रीलंका कर्ज नहीं चुकाने में कामयाब रहा और आखिरकार श्रीलंका दिवालिया घोषित कर दिया गया। किसी भी देश को दिवालिया तब घोषित किया जाता है जब उस देश की सरकार दूसरे देशों या अंतर्राष्ट्रीय संगतों से उधार ले लेती या उसकी किस्त वक्त पर नहीं चुका पाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, श्रीलंका की आबादी 22 करोड़ के करीब है। साल 1948 में आजादी मिलने के बाद श्रीलंका ने अपना सबसे बुरा दौर देखा। स्कूलों को बंद करना पड़ा, ईंधन सिर्फ जरूरी सेवाओं तक सीमित कर दिया गया, ट्रेनों की संख्या कम कर दी गई। राजधानी कोलंबो समेत कई बड़े शहरों में सैकड़ों लोग ईंधन खरीदने के लिए घंटों लाइन में खड़े रहने पर मजबूर। कई बार पुलिस और सेना का सामना आम जनता को हुआ, हिंसक झड़प हुई और फिर नाराज जनता ने जो कुछ किया वो पूरी दुनिया ने देखा। पहले कोरोना ने श्रीलंका का हाल बिगाड़ा, टूरिज्म पर आधारित श्रीलंका की इकोनॉमिक पूरी तरीके से लड़खड़ा गई। रही सही कसर रूस यूक्रेन युद्ध ने पूरी कर दी। श्रीलंका में अभी हालात सामान्य नहीं हुए हैं। अभी भी श्रीलंका में एक कप चाय के लिए लोगों को 100 रुपए का खर्च करना पड़ता है। ब्रेड का एक पैकेट 150 रुपए में मिल रहा है। गैस सिलेंडर की कीमत 4,000 रुपए के पार है और यही चुनौतियां कमोवेश पाकिस्तान के सामने खड़ी है। कोरोना रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई है। उसके बाद बाढ़ ने पाकिस्तान का हाल बिगाड़ दिया, राजनीतिक खींचतान से रही सही कसर पूरी कर दी। श्रीलंका की तरह पाकिस्तान भी दिवालिया होने की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। पिछले साल सितंबर में ही IMF पाकिस्तान को चेतावनी दे चुका है। IMF ने कहा था कि श्रीलंका की तरह ही पाकिस्तान में आर्थिक संकट को लेकर विरोध प्रदर्शन दिखाई दे सकते हैं और पाकिस्तान में खाद और पेट्रोलियम पदार्थों की महंगाई सामाजिक विरोध और अस्थिरता का माहौल पैदा कर सकती है। पाकिस्तान में महंगाई की दर पिछले साल अगस्त महीने में 27.3 पर पहुंच गई थी। IMF पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई पर चिंता जाहिर कर चुका है। पाकिस्तान में महंगाई 40 सालों में अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर है। पाकिस्तान में महंगाई का ऐसा दौर साल 1975 में रहा था। मैं आपको बताना चाहता हूं, IMF की यह चेतावनी पिछले साल दिसंबर में आई। महंगाई की वजह से परेशान पाकिस्तान की आम जनता सड़कों पर नजर आ सकती है। नए साल की शुरुआत के साथ पाकिस्तान में आटा संकट गहराने लगा। आटे की बोरी को लेकर बवाल के कई सारे वीडियो राष्ट्र की आवाज के जरिए मैंने आपको दिखाए, आपने सोशल मीडिया पर भी देखे होंगे। आटे की एक बोरी के लिए लोग मरने मारने पर उतारू दिखे। पहली नजर में लगा कि पाकिस्तान में भी श्रीलंका वाला दौर शुरू हो गया है। आटे को लेकर अब वैसे तो हालात थोड़े संभल गए हैं, लेकिन पाकिस्तान में गेहूं का गंभीर संकट लगातार बना हुआ है। पाकिस्तान नेशनल असेंबली के सदस्य और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और अनुसंधान मंत्री तारिक बशीर चीमा ने संसद में दिए गए बयान में कहा कि पाकिस्तान वर्तमान में गेहूं की बड़ी कमी का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान के मंत्री ने बताया कि पाकिस्तान में गेहूं की मांग 2.37 मिलियन टन की है, जबकि स्टॉक 2.03 मिलियन टन की रह गया है और इसी वजह से देश में आटे की महामारी हो रही है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, गंभीर गेहूं संकट के साथ पाकिस्तान गंभीर बिजली संकट से भी दो चार हो रहा है, उसका सामना कर रहा है।
पिछले दिनों पाकिस्तान के बड़े शहरों की बिजली गुल हो गई, इसके पीछे तकनीकी वजह बताई गई। पाकिस्तान का बिजली सेटअप खस्ताहाल है। बिजली की कमी के साथ खस्ताहाल सेटअप की समस्या पाकिस्तान पर हावी होती गई। पाकिस्तान को बार बार मेजर पावर कट का सामना करना पड़ रहा है। पिछले साल अक्टूबर में पाकिस्तान में बड़ा पावर कट हुआ, तब कराची लाहौर जैसे बड़े शहरों में करीब 12 घंटे तक बिजली गुल रही। पाकिस्तान बिजली बचाने के लिए लगातार हाथ पैर मार रहा है। पाकिस्तान की शहबाज सरकार अपने लोगों की तरह तरह के तानाशाही के फैसले थोप रही है। शहबाज सरकार के फैसलों से पाकिस्तान की आम जनता परेशान है, पाकिस्तान के बिजनेसमैन परेशान है। पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने बिजली बचाने के लिए एक नया प्लान बनाया है, जिसके मुताबिक ज्यादा बिजली की खपत करने वाले पंखों का उत्पादन जुलाई 2023 से बंद होगा। बिजली बचाने वाले पंखे और बल्ब जल्द ही लॉन्च किए जाएंगे। सरकार का अनुमान है कि ऐसा करने से करीब 30 अरब रुपए बचाने की मदद मिलेगी और बड़े पैमाने पर वर्क फ्रॉम होम का नियम पाकिस्तान में लागू किया जाएगा। पाकिस्तान सरकार का अनुमान यह भी है कि अगर 20% सरकारी कर्मचारी रोटेशन के आधार पर घर से काम करते हैं तो 56 अरब रुपए बचाए जा सकते हैं। इसी के साथ वेडिंग हॉल्स को रात 10 बजे तक के लिए बंद कर दिया जाएगा, सिर्फ एलईडी बल्बों का इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा। सरकारी विभागों में 30% बिजली बचाने का ऑर्डर जारी किया जाएगा। बाजार रात 8:30 बजे तक खोलने की मंजूरी। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक एक करके पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड खराब होता जा रहा है। श्रीलंका वाले हालात पाकिस्तान में भी बनते जा रहे हैं। श्रीलंका की तरह पाकिस्तान में भी दिवालिया होने की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस वक्त टाइम बम की तरह टिक टिक कर रही है। विदेशी कर्ज हो, महंगाई का दर हो, बेरोजगारी हो, चीन के कर्ज का जाल का मसला हो, या फिर राजनेताओं की लापरवाही का मसला हो, कई ऐसे पैरामीटर हैं जो बता रहे हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका की तरह कंगाली की ओर तेजी से बढ़ रहा है। श्रीलंका पाकिस्तान के बीच कई खतरनाक समानताएं भी हैं, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार अपने 8 साल के सबसे नीचे स्तर पर आ गया है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार घटते हुए करीब 3 अरब डॉलर हो चुका है, जिसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा दिनों तक जरूरत की चीजों को आयात नहीं कर पाएगा। और यही वजह है कि पाकिस्तान के बंदरगाहों पर सामान से लदे जहाज खड़े हैं, लेकिन पैसे होने की वजह से जहाजों से सामान नहीं उतार पा रहे। डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी करेंसी के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। एक डॉलर की कीमत पाकिस्तानी रुपयों में 268 रुपए के करीब हो चुकी है। पाकिस्तान में महंगाई दर 25% के करीब पहुंच चुकी है। खाने पीने की चीजें काफी ज्यादा महंगी हो गई हैं। पाकिस्तान में 1 किलो प्याज की कीमत 220 रुपए के करीब है। सरसों के तेल की 1 लीटर की बोतल 530 रुपए के पार हो चुकी है। 1 लीटर दूध 150 रुपए मिल रहा है। चिकन करीब 400 रुपए किलो मिल रहा है। 1 किलो नमक करीब 50 रुपए का मिल रहा है। और 150 रुपए किलो आटा होने के बाद रोटी पर तो पहले से ही संकट है। ब्रेड की कीमत 90 रुपए के पार पहुंच चुकी है। कर्ज का बढ़ता आंकड़ा भी पाकिस्तान के पसीने छुड़ा रहा है। पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने पिछले दिनों अपने एक लेख का हाल बताया था। इस्माइल ने लिखा था कि पाकिस्तान पर दुनिया का कर्ज करीब 100 अरब डॉलर का है। इस वित्तीय वर्ष में 21 अरब डॉलर का कर्ज पाकिस्तान को चुकाना है। अगले 3 सालों तक करीब 70 अरब डॉलर का कर्ज पाकिस्तान को चुकाना है। अब से 4 सालों तक क्या होगा, हमें 90 अरब डॉलर चुकाना है। 10 अरब डॉलर का जुगाड़ हो गया। पाकिस्तान के पास कर्ज चुकाने के लिए संसाधन नहीं है। पाकिस्तान कर्ज लेकर दूसरा कर्ज चुकाने में लगा है। और श्रीलंका की तरह पाकिस्तान भी चीन के कर्ज के जाल में लगातार उलझता जा रहा है। पाकिस्तान ने भी महंगे दर पर चीन के कर्ज लिया है। पाकिस्तान के विदेशी कर्ज का करीब 30% हिस्सा चीन का है।
पाकिस्तान को चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के निर्माण के लिए चीन से करीब 55 बिलियन डॉलर मिले हैं, जिन्हें 17 से 20 फीसदी के दर से रिटर्न की गारंटी दी गई है। मैं आपको बताना चाहता हूं, पाकिस्तान की आवाम महंगाई से परेशान है, पाकिस्तान की आवाम तमाम तरह की परेशानियों से जूझ रही है। बावजूद इसके पाकिस्तान में सियासी घमासान कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और शहबाज शरीफ की सियासी खींचतान कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ इमरान खान किसी भी कीमत पर सत्ता में वापसी का जोर लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री शहबाज इमरान को पीछे धकेलने के लिए सत्ता का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। कानून नोटिस से लेकर गिरफ्तारी, सारे पैतरे आजमा रहे हैं और लगता ही नहीं किसी को आवाम की चिंता है, किसी को पाकिस्तान की चिंता है। इस मसले में विदेश मामलों के जानकार क्या राय रखते हैं, राष्ट्र की आवाज के जरिए वो आपको सुनवाना चाहता हूं। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि पाकिस्तान के वर्तमान दयनीय आर्थिक हालातों के लिए पाकिस्तान की राजनीतिक अस्थिरता भी एक बड़ा कारण रही है। और पाकिस्तान की जाहिर है कि जमहूरियत की जड़ें बेहद कमज़ोर हैं, पाकिस्तान के संस्थानों की स्थिति कमज़ोर है, और पाकिस्तान की चाहे वो जमहूरियत हो चाहे वो पाकिस्तान के संस्थान हो, सभी को पाकिस्तान के वास्तविक शासकों जो कि पाकिस्तान की आर्मी और ISI है, उन्होंने कमज़ोर करके रखा ताकि पाकिस्तान के जो आर्मी और ISI है उसका शासन बना रहे। पाकिस्तान में जो जमहूरियत है वो दिखावे की जमहूरियत है, जो लोकतंत्र दिखावे का लोकतंत्र है, पर्दे के पीछे पाकिस्तान की आर्मी और ISI ही पाकिस्तान पर शासन करती है। और यहाँ तक कि जो पाकिस्तान का जो राजनीतिक तंत्र है उसे भी पाकिस्तान की आर्मी और ISI कंट्रोल करती है। इमरान खान रहे हों चाहे इमरान खान के पहले के जो प्रधानमंत्री रहे हों, सभी को पाकिस्तान की आर्मी और ISI की शह मिली हुई थी, तभी तक वो गद्दी पर रह पाए। जब पाकिस्तान की आर्मी और ISI किसी भी जमहूरियत के जो दिखावे की जमहूरियत के नेता को अपना सपोर्ट वापस ले लेती है तो उसे अपनी सत्ता छोड़नी पड़ती है। पाकिस्तान की यही कड़वी सच्चाई है। इमरान खान को जब तक आर्मी और ISI का सपोर्ट था तब तक वो सत्ता में बने रहे, और अब जब ISI और आर्मी का सपोर्ट हटा तो वो सत्ता उन्हें गंवानी पड़ी। वर्तमान समय में शहबाज शरीफ सरकार को पाकिस्तान की आर्मी और ISI की सह है, और जाहिर है कि इमरान खान जरूर पॉपुलर लीडर हैं लेकिन उनकी सत्ता में वापसी तब तक संभव नहीं हो सकती जब तक कि उनकी आर्मी और ISI के साथ संबंध नहीं सुधर जाते। केवल पाकिस्तान का अगर हम ले तो पाकिस्तान बहुत ही कमज़ोर हालत में है। पाकिस्तान का कोई रास्ता नहीं आगे। अभी IMF की पूरी डील भी एग्री नहीं। हमें ये देखना है ना, जो पाकिस्तान कहता है डील मान क्यों नहीं रहा पाकिस्तान IMF से, क्योंकि IMF ये शर्तें रख रहा है कि आप अपनी मिलिट्री की पेंशन काटो, आप अपना डिफेंस बजट काटो। IMF ने जो श्रीलंका से डील करी है उसने श्रीलंका को 180,000 ट्रूप से 135,000 और 2030 तक 1,00,000 ट्रूप्स करने का एग्रीमेंट किया है श्रीलंका ने। पाकिस्तान को भी ऐसा करना पड़ेगा, तभी तो शाहबाज शरीफ कह रहे हैं कि अनइमेजिनेबल। वो पाकिस्तान मान नहीं रहा, पेंशंस कम करो, डिफेंस। और चीन के कर्ज जाल का खतरनाक हाल श्रीलंका झेल रहा है। श्रीलंका चीन के अपने हाथों का हबन टोटा द्वीप पहले ही गवा चुका है। श्रीलंका दिवालिया हो चुका है, अब पाकिस्तान भी उसी राह पर बढ़ता नजर आ रहा है। पिछले साल सऊदी अरब ने पाकिस्तान से अपना कर्ज वापस मांगा तो पाकिस्तान ने चीन से मनमाने ब्याज पर कर्ज लेकर सऊदी अरब का पैसा वापस लौटा दिया। यही तो चीन की साजिश है, पहले दोस्त बनाने का ढोंग करता है, मदद के नाम पर पैसा देता है, और जब देनदार देश वापस भुगतान करने में विफल रहता है तो उसे अपनी राष्ट्रीय संपत्ति सौंपने रणनीतिक लाभ लेने का दबाव बनाता है। पड़ोसी मुल्कों की बिगड़ती हालात हिंदुस्तान को सावधान करती है। पाकिस्तान के साथ भले हिंदुस्तान के रिश्ते अच्छे नहीं हो लेकिन पाकिस्तान का बर्बाद होना हिंदुस्तान के लिए भी बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। हिंदुस्तान को बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि दो पड़ोसी मुल्कों के हालात देखकर हिंदुस्तान को सबक सीखने की बेहद जरूरत है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। सोमवार रात 9 बजे फिर होगी मुलाकात।